चलो बेटा, हम एरर पढ़ रहे थे, ठीक है? हाँ, एरर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसके बाद एक किसी बच्चे के क्वेश्चन से डाउट्स हैं, डाउट डिस्कस करती हूँ मैं, ठीक है? हाँ, देखो एरर में हमने पढ़ा था बच्चों कल एडिशन, सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो सिग्निफिकेंट फिगर में कल के लेक्चर में हमने लास्ट में डिस्कस करा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने कहा जैसे दो नंबर है 3.42 और एक नंबर है 0.3, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.72। अब आपको ऑप्शन में वो देगा विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट 3.72, ऑप्शन बी देगा आपको 3.7, ऑप्शन सी देगा 3.2 और ऑप्शन डी दे देगा मान लिया नन आपको, ठीक है? तो बताइए बच्चों, आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे बताइए बेटा। थ्री पॉइंट सेवन, वेरी गुड, क्योंकि हमें क्या देखना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यस बेटा वेरी गुड, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, क्या देखना हमें बच्चों बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, याद रहेगा ये आपको। अब सेम बात सब्ट्रैक्शन में देखनी है, वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है, सुमिदा रिया देवी गौरव वेरी गुड, कोमल सुमिदा वंश, ठीक है बेटा। अब आज हम बात करते हैं बच्चों डिवीजन की, कल हमने लास्ट में बात करी थी सब्ट्रैक्शन की, आज हम बात करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है? तो देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का सेम रूल है बेटा। इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, क्या देखेंगे बेटा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे देखो बेटा, आपके पास है एक नंबर है, जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर उठा लेती हूँ, आपका नंबर है आपके पास 142.06, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0.23 से, तो आपको आंसर मिला बेटा 36.678, कुछ ऐसा मिला आपके पास, ठीक है? और एक नंबर और देती हूँ आपके पास, जैसे 2.21 मल्टीप्लाई बाय 2.21 कितना हो जाएगा, ये 4.41 बेटा, ठीक है? तो बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या देखना है, मैंने क्या कहा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? अब देखो इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों आपके पास, पांच, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा आपके, पांच हैं, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा आपके, दो हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा आपके, दो हैं, तो हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 36, क्या आएगा आपका 36 आंसर आ जाएगा। आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इसी तरह इसमें देखो, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, इसमें भी दो है, इसमें भी कितने आपके, दो है, तो दो तक ही लिखेंगे, दो मतलब 4.4 आ, दो मतलब बेटा 4.4 तक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी बच्चों दो तक, इसमें भी कितने आपके, दो तक। हाँ, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में देख रहे थे बच्चों आफ्टर डेसिमल, इसमें डॉक्टर डेसिमल का कोई रोल नहीं है, इसमें देखेंगे बेटा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे आप लोग। जैसे मैं एक और एग्जांपल लू, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो ये आंसर आया 1.28, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, 1, इसमें कितना है, 2, तो हम 1 तक लिखेंगे इसका, तो इसका आंसर आएगा बेटा 1, इसका आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है? इतनी बात समझ आई, क्लियर?
फटाफट बता दूं मैं, हाँ पूरा सिग्निफिकेंट फिगर एक बार फास्ट रिवाइज कर देती हूँ और फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 ऐसे कोई भी है वो सारे आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों आपके, 4। रूल नंबर 2 में पढ़ा नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी आपके जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। आप रूल आराम से याद रख सकते हो, सबसे पहले याद रखो नॉन जीरो, फिर याद रखो बिटवीन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में। फिर बच्चों आपके पास मान लिया लीडिंग जीरो है, किसी नंबर से पहले जीरो है, 0.04 है या 004 है, तो लीडिंग जीरो इनिशियली जो जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, 1 होगा आपके पास, ठीक है। अगर मान लिया आफ्टर डेसिमल जीरो है बच्चों तो वो सिग्निफिकेंट होगी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा 5.00 तो इसमें भी कितने होंगे बच्चों आपके, मान लिया आपके पास 4 हो जाएंगे। तो आफ्टर डेसिमल जीरो क्या रहेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट रहेंगे, आफ्टर डेसिमल जीरो जार सिग्निफिकेंट बेटा, ठीक है। हाँ क्लियर होगी आपके पास। और एक आपके पास क्या था, अगर आप यूनिट चेंज करते हैं, जैसे आपने कहा किलोमीटर से आपने मीटर बनाए और आपने किलोग्राम से ग्राम बनाए, ठीक है, तो आपके पास यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों चेंज नहीं होते। यूनिट चेंज करने से बेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन नेवर चेंज बेटा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 0.44 किलोमीटर, ठीक है। हाँ जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों, 2, तो आपके पास 2 ही आने चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप, ये आपके पास दे रहा है वो कि 4.4 × उसने लिखा 0.44 × 10³ किलोमीटर, 3 मीटर, एक लिखता है बच्चों वो 4.4 × 10⁵ मीटर। देखो मैथमेटिकली दोनों सही है, मैथमेटिकली क्या है बच्चों आपके, दोनों सही है आपके पास, ये भी सही है इसमें और ये भी सही, क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों, 2, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों आपके, 2 है, तो ये दोनों सही होंगे आपके पास। मैं कह रही हूँ बेटा जैसे देखो, मैं ये कह रही हूं कि अगर आप यूनिट चेंज कर देते हैं, अगर आप यूनिट चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा चेंज नहीं होंगे। कैसे, मैंने कहा आपके पास मान लिया 0.4 किलोमीटर है, ये तो समझ आ रहा है, तो मैं 0.4 किलोमीटर को क्या लिख सकती हूँ, मैं 0.4 × 10³ मीटर लिख सकती हूँ बच्चों मैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा वजह से उठा लेती हूँ 0.04, तो ये आया आपके पास, मैंने लिख दिया 0.04 × 10³ मीटर। एक मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा 4 × 10⁵ मीटर लिख सकती हूँ, एक मैं इसको लिख सकती हूँ 4.0 × 10³ किलोमीटर, एक मैं इसको लिख सकती हूँ बच्चों 4.00 × 10⁵ मीटर, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके, 1 है बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आपका, 1 है, इसमें भी कितना आपका, 1 है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी क्या आपका, 1 है, तो ये भी आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये 10⁵ मीटर है ये आपके पास, ठीक है, मैथमेटिकली दोनों सही है। अब यहाँ सिग्निफिकेंटली भी ये दोनों सही है बच्चों, क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 1 है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखो इसमें 4.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, 2, लेकिन मैथमेटिकली तो सही है बेटा ये, हाँ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, 3, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पावर्स का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता बेटा, जो 10 की मल्टीपल पावर है बेटा उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, ठीक है। आपको बस ये देखना है ऑप्शन के अंदर कि आपके पास हो सकता है ऑप्शन 1 से ज्यादा सही हो, जैसे हमारे यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, ऑप्शन 1 से भी ज्यादा राइट है, हो सकते हैं बेटा। हाँ ये बी भी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 1 ही है, और इसमें भी कितना है बच्चों, 1 ही है, तो ये दोनों सही माने जाएंगे।
वो आपके ऑप्शन में कभी दोनों सही नहीं देगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर किलोमीटर से मीटर बनाते समय बच्चों चेंज नहीं होगा। मैडम एक घंटे के लिए तो सही होना ही होना चाहिए, उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपके चेंज नहीं होने चाहिए बच्चों। क्लियर होगी बेटा आपको बात, इतनी समझाइए एक बार मेरी बात, क्लियर होगी ये बात, समझ आ गई कोमा को शायद डाउट था, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि 10 की जितने भी पावर है, जैसे मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो उनका कोई सिग्निफिकेंट फिगर बेटा नहीं होता, इनका कोई सिग्निफिकेंट, जैसे मैं कहूं 10 की पावर 9 में सिग्निफिकेंट फिगर बताइए तो आप लिखेंगे 0, इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों नहीं है। अगर आपसे ये कहते बेटा कि अगर आपके पास वो कहे कि कांस्टेंट टर्म्स, जैसे 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, कोई भी कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, इस तरह के कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आप कहते हो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1.33 और ग्लास का होता है आपका 1.55। अगर आपसे पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, आपसे वो आपसे कहता है बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो देखो बच्चों ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। ये भी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है बच्चों, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है बेटा, तो उसमें भी इनफाइनाइट होंगे, यहाँ आप 3 नहीं कहेंगे। अगर यहाँ आप 3 कहते हो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, अगर यहाँ भी अगर आप 3 कहते हो तो वो भी एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा आपका। क्लियर हो गया बेटा इतना, बताइए बच्चों, ठीक है। हाँ, फिर हमने राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल पढ़े थे बेटा, राउंडिंग ऑफ में आपने क्या पढ़ा था, हाँ मैं एक बार याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। जैसे आपने कहा 2.35, 5 वाले रूल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर 5 है बच्चों और 5 के बाद 0 है, या 2.35, 5 के बाद कुछ नहीं है, 0 या तो 0 है या कुछ नहीं है, ठीक है, तब हम देखेंगे कि 5 से पहले ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, ठीक है। अगर 5 से पहले ऑड नंबर है तो आगे वाले में एक इंक्रीज हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2.4 बच्चों। अगर इवन है तो कोई चेंज वहां पे नहीं होगा आपके पास, कोई वहां पे चेंज नहीं होगा आपके पास। हाँ, अगर ऑड है बच्चों, 5 से पहले इवन है तो नो चेंज, और ऑड है तो एक आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा रूल बताया था, अगर जैसे 2.51, 2.351, 2.451, 2.652, 2.657, कुछ इस तरह के नंबर है, 5 के बाद कुछ भी है, 5 के बाद 1-0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर 5 के बाद कोई भी नंबर है बच्चों, तो हमेशा एक इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे 2.4, इसको आप लिखेंगे 2.5, इसको आप लिखेंगे 2.7, इसको आप लिखेंगे 2.8, ठीक है। रूल याद हो गए ये सबके, क्लियर हो गया बेटा। फिर हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वो सबको याद हो गए होंगे कि एडिशन में क्या देखना है बेटा आपको, आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन में आपको देखना है आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखना है बच्चों लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वहां डेसिमल का कोई रोल नहीं है, आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप हमारी तरफ देख लीजिए, जैसे आपके पास मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक छोटी सी बात और बच्चों, प्रीसीजन, एक ड्रम यूज होती है बच्चों प्रीसीजन, एक ड्रम यूज होती है बच्चों एक्यूरेसी, ये दो ड्रम आपने अपनी बुक में पढ़ी होगी सभी ने, हाँ ये दो ड्रम आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम्स में कई बार, एक होता है प्रीसीजन, एक था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी क्लोज है स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू क्लोज टू ट्रू वैल्यू, वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, तो वो
स्केल की आपकी जो लेंथ है वो है बच्चों 5 मीटर है। मान लिया आपके मार्कर की लेंथ 5 मीटर है। एक स्केल से जब आपने मेजर करा तो उसने वैल्यू दिखाई 4.9, दूसरे स्केल से मेजर लिखा तो उसने दिखाई 4.8, तीसरे से जब लिखा तो उसने दिखाई 4.99। तो विच वन स्केल गिव्स द मोर एक्यूरेसी या विच वन ऑफ देम वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, कौन से वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है आपकी? तो आप ये कहेंगे ऑब्वियसली मैडम ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है आपकी। नंबर 3 पर जो वैल्यू रखी है ये नंबर 2 ये नंबर 1 वो ज्यादा एक्यूरेट। तो कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है बच्चों वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितनी क्लोज है, कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू है बच्चों वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितनी क्लोज है वो हमें कौन बताता है बेटा? आपका एक्यूरेसी। वो वैल्यू, उस वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूरेसी कहते हैं, जिसको हम लिखते क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, एक्सपेरिमेंटल और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि हमारा एब्सोल्यूट एरर भी होता है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ। अब देखिए यहां से कि क्या याद रखना है कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू की कितनी क्लोज है वो उसे कहते हैं बच्चों एक्यूरेसी। एक ये मैंने पहले भी समझाया था आपको, लेकिन एक टर्म और है बच्चों, प्रीसीजन। प्रीसीजन क्या बताता है बच्चों? आपके पास इट रेफर टू द रिजोल्यूशन और लिमिट टू विच क्वांटिटी वी मेजर। ये किसके साथ रिलेटेड है बच्चों? रिजोल्यूशन से, या ये कह सकते हैं लिमिट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। लिमिट टू विच क्वांटिटी इज बच्चों मेजर्ड, ठीक है। देखिए अब मैंने कहा बच्चों आपके पास एक डिवाइस है जिसका रिजोल्यूशन है, जैसा हमारा वर्नियर कैलिपर में होगा आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है, उसकी रिजोल्यूशन है बच्चों 0.01 सेंटीमीटर। एक अच्छा बच्चों आपका स्क्रू गेज है, मैंने दिखाया था एक दिन क्लास में, ये डिवाइस का नाम अगले छुट्टियों के बाद अब आपका यही पढ़ेंगे, उसके लिस्ट काउंट है बच्चों 0.01 सेंटीमीटर। एक कोई दूसरी अदर डिवाइस है, कोई भी अदर डिवाइस है बच्चों, उसकी लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट किसकी है? सबसे कम लिस्ट काउंट अदर की होगी बच्चों, ये लिस्ट काउंट सबसे कम है, इसका रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा है, इसका रिजोल्यूशन बच्चों सबसे ज्यादा है। तो जिसका रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा बच्चों मोर प्रिसीजन, मोर विल बी द प्रिसीजन। जिस वैल्यू का रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उसका प्रिसीजन बच्चों ज्यादा होगा, जिस वैल्यू का रिजोल्यूशन ज्यादा होगा बेटा उसका प्रिसीजन आपका ज्यादा होगा। क्लियर होगी बेटा इतनी बात आप सबको, ठीक है। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, मोर विल लिस्ट काउंट लेस विल बी द लिस्ट काउंट मोर विल बी द प्रिसीजन। जिस वैल्यू का लिस्ट काउंट बेटा जितना कम होगा प्रिसीजन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आपकी बुक में दे रखा है एक टेबल, हाँ 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 देखो एक एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे वो दे रहा क्वेश्चन दे देगा, एक स्टूडेंट है बस 5 स्टूडेंट है लैब के अंदर, ठीक है, वो लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट बच्चों वो लैब में क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे बच्चों आपके पास
एक स्टूडेंट है जिसकी है 2 पॉइंट, एक स्टूडेंट मान लिया वेट मेजर करना था, क्या मेजर करना था, वेट। तो एक डिवाइस ने तो वेट मेजर करा 0.51 ग्राम, दूसरे डिवाइस ने वेट मेजर करा, एक ने 0.5 ग्राम मेजर करा, दूसरी ने 5.2 ग्राम मेजर करा, तीसरी ने 5.35 ग्राम मेजर करा, चौथी ने 0.5334 ग्राम मेजर करा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द स्टूडेंट हैव मोर प्रिसीजन, किस स्टूडेंट की रीडिंग में प्रिसीजन बच्चों ज्यादा होगा, विच वन ऑफ द स्टूडेंट हैव बच्चों मोर प्रिसीजन, बताइए बेटा किस स्टूडेंट की उसमें प्रिसीजन ज्यादा होगा, बताइए बेटा आप लोग सब बताइए इस बात को, किसमें ज्यादा होगा बेटा, डी ऑप्शन, हाँ दिस रीडिंग हैव मोर प्रिसीजन। इसके लिस्ट काउंट क्या है, लेस है, लेस लिस्ट काउंट, ये सबसे कम होगी लिस्ट काउंट। इसके लिस्ट काउंट अगर आप लिखोगे तो कितनी होगी, 0.0001 ग्राम के अंदर जो भी होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, हाँ समझ आई बेटा, वेरी गुड। ठीक है, आप न्यूमेरिकल देखिए, जैसे आपसे कहता है बच्चों ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड, एक क्वेश्चन देखो आपसे क्वेश्चन, बाकी तो मैंने एग्जांपल करवा दिया, एक थोड़ा अलग कैसे पूछ सकता है आपसे, जैसे वो क्वेश्चन आपके पास ईच साइड ऑफ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब दे रखी है बच्चों, साइड ऑफ क्यूब वो आपको गिवन है बेटा, आपकी 7 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा, आपकी 7.203 मीटर। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figure? आपको क्या बताना बच्चों? Okay बेटा, okay, ठीक है बेटा। अब देखें बेटा, side of cube, cube की side आपको दे रखी है, ठीक है देवी बेटा? हाँ, side of cube दे रखी है बच्चों। आपसे पूछा है surface area of the cube निकालिए। आपसे पूछा है surface एरिया ऑफ द क्यूब निकालिए, ठीक है? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? 6 into साइड का स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा, 10th क्लास में पढ़ते हैं आप ये छोटी-छोटी चीजें बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 into साइड का स्क्वायर बेटा, ठीक है? तो 6 साइड कितनी है बेटा आपके पास? 7.203 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको आंसर में बड़ा से कैलकुलेशन आ रही है, मैं लिख देती हूँ, वो वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 311.299254 मीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, पहला ऑप्शन ये मिलेगा, ठीक है? हाँ हाँ सुनो, पहला ऑप्शन बेटा आपको यही मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत होगा। आपको क्या करना है बच्चों, जितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें उतने तक ही राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा रिजल्ट, आपको रिजल्ट को उतने तक ही आपको लिखना पड़ेगा। जिसमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों? 4 है, तो इसका कहां तक लिखोगे? 4 तक इसको सिग्निफिकेंट करके लिखोगे। अब ये नंबर 9 है और 9 इससे बड़ा है, तो आंसर 5 से बड़ा है, तो इसको क्या लिख देंगे? 3.311.3 मीटर का स्केल। तो ये ऑप्शन ज्यादा राइट होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो जितने ये सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात बेटा सभी को? बताइए सभी स्टूडेंट्स। इसी तरह बच्चों इसने वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का? साइड का क्यूब होता है एक क्यूब, जिसे आप याद रखते हैं, तो इसका क्यूब कर दो बच्चों, तो ये आया 7.203 का क्या कर दो बच्चों? क्यूब। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो इसकी क्यूब आएगी बच्चों 373.7145 मीटर क्यूब। इसको भी क्या करोगे बच्चों? आप लोग 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों आपका?
373.7 बेटा, 373.7 बेटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाए, क्लियर हुआ बेटा। एक देखो आपका कंसेप्ट, कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, देखो। हाँ, उसके ऑप्शन भी मैं आपको देती हूँ, नोट हो गया बेटा आपका ये सबका। हाँ, तो ऐसे वॉल्यूम पूछ लेगा, क्यूब पूछ लेगा, स्क्वायर की साइड पूछ लेगा आपसे, ऐसे ही चीजें आपसे पूछेगा बेटा वो, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है कुछ, है आपका, आपके पास एक बॉक्स है बच्चों, एक क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स का वेट है बच्चों, इस बॉक्स का वेट है 1.4 किलोग्राम, ठीक है। इस बॉक्स का वेट है 1.4 किलोग्राम, इसके अंदर एक डायमंड रख दिया, ठीक है। डायमंड का वेट है बच्चों 1.32 ग्राम, बच्चों डायमंड का वेट है 3.2 ग्राम बेटा, 1.32 ग्राम है आपके पास। आपके पास ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए है बेटा इसका 1.40132, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 1.4, ऑप्शन नंबर सी है 1.401 और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 1। बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए आप लोग सारे कि इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करो बेटा, सभी स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करिए बेटा, बताइए जल्दी से मुझे। ध्यान रखना ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, गलती कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। क्या आया आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिए बेटा। ऑप्शन ए कोमल बेटा, ऑप्शन ए गलत है, अनीशा जल्दी से बताओ बेटा फास्ट। ए देखो मैं बताती हूँ, देखो क्या है बेटा, ये किलोग्राम में है तो हम इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे बेटा। सृष्टि सही है ऑप्शन बी, नमिता सही है, राकेश चंचल सही है, दैविक सही है, दिव्या सही है, यस्सी का वेरी गुड, बी ऑप्शन जिन बच्चों का है सबका सही है, इसका मतलब सब मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया। देखो अगर मैं बताती हूँ जिनको नहीं आया, देखो बच्चों ये 1.4 किलोग्राम, तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो इसको क्या करोगे, किलोग्राम के ग्राम बनाओगे, 10^-3 से मल्टीप्लाई करोगे, या उल्टा कह दो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से क्या करोगे इसको डिवाइड, और इसके पॉइंट भी हटा दिया तो ये आपके पास 2 जीरो और आ गई, ऐसे हो जाएगा भाई। ग्राम के किलोग्राम बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, इसका पॉइंट हटा दिया, मैंने 2 जीरो और नीचे लगा दी, तो अब मैं क्या करूंगी, 0.00132 किलोग्राम लिख सकती हूँ बेटा मैं इसको, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, 0.00132, इन दोनों को ऐड करो, उसने पूछा है टोटल वेट ऑफ द बॉक्स प्लस डायमंड, टोटल वेट बताना आपको बॉक्स और डायमंड का, तो टोटल वेट के लिए मैं बॉक्स के वेट में डायमंड का वेट ऐड कर दूंगी, बॉक्स के वेट में मैं डायमंड का वेट बेटा ऐड कर दूंगी, तो ये क्या आया बेटा मेरे पास 1.40132, ये ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमने एडिशन में रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है रूल, कि हम क्या देखेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों, आपसे आफ्टर डेसिमल 1 आपके पास, आफ्टर डेसिमल एक ही है ना, आफ्टर डेसिमल इसमें देखते हैं बच्चों, आफ्टर डेसिमल, और इसमें आफ्टर डेसिमल कितने बच्चों, 0.3,
थ्री टू, इसमें तो ये नहीं है आफ्टर डेसिमल, इसमें तो बच्चों पांच है। हमें क्या देखनी, डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। इसमें आफ्टर डेसिमल दो है ना, सॉरी इसमें पांच है, इसमें बच्चों एक है, तो हम एक तक ही लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा बेटा, 1.4 आंसर इज मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर उस डायमंड के वेट से, देखो डायमंड का वेट 1.32 ग्राम बहुत कम होगा, तो उसके कारण उस पर कोई इफेक्ट बच्चों नहीं आएगा आपके। क्लियर हुई है बात, समझ आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ डाउट्स थे किसी बच्चे के, वो डाउट डिस्कस कर देती हूँ एक बार। ठीक है, हाँ आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और पहले एक बार काम सुन लो सारे बच्चे छुट्टियों का आपका। मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया बेटा, मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ थ्योरी, ये मैंने पढ़ाई है। जिन बच्चों ने नहीं करा है, जाए जो बच्चे पीछे रह गए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मैंने हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी है। जब आप प्लेलिस्ट पे टिक करोगे, वीडियो को खोलोगे, तो उसमें आपको सीरियल वाइज सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे वीडियो लेक्चर मैंने डाल रखे हैं अपलोड कर। ठीक है बेटा, हाँ अब दूसरी बात सुनो मेरी ध्यान से, ठीक है। हाँ, जितना आपको होमवर्क मैंने करवा दिया, मैंने मैथमेटिकल टूल्स करवा दिए सारे, और आपकी फर्स्ट यूनिट जितनी हो गई, ठीक है, उतने में से आपका टेस्ट होगा। बस आपका एक बच गया टॉपिक, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, पर बेटा वो आपको मैं ज्यादा बेटर तो तभी समझ आएगा जब आपको लैब में करवाऊं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज आप लोगों ने कभी नहीं देखा है, तो वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो स्कूल में ही करवाऊं आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगी भी लाइव क्लास में, तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं कौन सी डिजिट कहाँ लगा रही हूँ, इसलिए मेरी वो मैं आपको स्कूल में करवाऊंगी, वो टॉपिक यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, स्कूल खुल जाएंगे, नहीं खुले तो फिर बेटा लास्ट ऑप्शन है करवाना ही है। ठीक है, हाँ तो जितना मैंने करवा दिया, मैं फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट डायमेंशन एनालिसिस में सबसे ज्यादा फोकस करना, डायमेंशन एनालिसिस और एरर का टॉपिक, डायमेंशन एनालिसिस, एरर और आपका सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट्स, जैसे लाइट ईयर, पार्सेक, सेकेंड, जो डिस्टेंस मेजरमेंट्स थी आपकी। ठीक है, जो मैंने मेजरमेंट वाला पार्ट, मेजरमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एक, वो सारा आपका 1 तारीख को इन सारी चीजों का टेस्ट होगा। ये कुछ बच्चों के पीछे जो रह गए, जैसे शायद रोहित पीछे है, तो वो आपने मैथमेटिकल टूल्स बच्चों कंप्लीट कर लो, जो बच्चे बाद में है थोड़ा सा या जो रह गए हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ लिए, डायमेंशन एनालिसिस भी पूरा पढ़ लिया, वो बच्चे अपने आईआईटी नीट के जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके बुक्स में पीछे गिवन है, वो आप सारी सारी सोल्व करो, जहां डाउट हो जाए मेरे को सेंड कर देना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी वहां पे। ठीक है, ये बात आप सारे बच्चे ध्यान रखना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बुक के क्वेश्चन जितने आप सोल्व करोगे, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक खुशी फील होगी। जब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपको बड़ी खुशी होती है, नहीं होता तो आप रोने लग जाते हो, अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरा तो हो ही नहीं रहा। लेकिन होगा बच्चों, डिमोरलाइज नहीं होना है वहां पे, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं मानती हूँ उस बच्चे को साइंस समझ नहीं आ सकती जिस बच्चे, जो बच्चा खुद खा नहीं सकता, जो बच्चा खुद नहा नहीं सकता, जो बच्चा यहाँ से रेवाड़ी नहीं जा सकता। आप यहाँ से रेवाड़ी अकेले जा सकते हो ना, यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हो ना, इट मीन्स आपके अंदर माइंड है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप लोगों ने बस थोड़ा आलसीपन की वजह से आप लोग सोचते हो, नहीं मेरे तो साइंस नहीं आ रही, मैं तो कुछ और पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, देखो साइंस पढ़ने से आप पढ़ना सीख जाएंगे, भले ही कुछ बच्चे, मैं ये नहीं कहते सारे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन होगा या सारे बच्चे इंजीनियर ही बने, लेकिन बच्चों साइंस पढ़ने से आपका माइंड खुल जाएगा, आप पढ़ना सीख जाएंगे। आफ्टर ट्वेल्थ भले ही तुम्हारा मन करे, आप आर्ट, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। तो साइंस तो बच्चों हर कंपटीशन एग्जाम में आती है आपकी। ठीक है, हाँ तो ये चीजें आप थोड़ी ध्यान रखना, जो बच्चे थोड़ा पीछे रह गए हैं तो उनके पास एक अच्छा टाइम है, आप कवर कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके आप उस टाइम को छुट्टियों में वेस्ट मत करना, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना, उसको पूरा पूरा कवर करो, ताकि अब टीचर्स का लोड को खत्म हो गया, अब आप सेल्फ उसकी प्रैक्टिस करो बच्चों। जितने आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे या पीछे का, देखो बच्चों फिजिक्स में एक कंडीशन
इसलिए पीछे का जरूर कवर कर लो, ठीक है बेटा। और मैथमेटिकल टूल्स तो उतने ही जरूरी हैं बच्चों आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ने, जितना मैथ पढ़ने के लिए आपको काउंटिंग आना जरूरी है। अगर आपको काउंटिंग आ जाएगी तो ही आप मैथ पढ़ सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप आगे जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगी फिजिक्स के, देखो फर्स्ट यूनिट में ज्यादा यूज नहीं है इसका मैथमेटिकल टूल्स का, लेकिन बच्चों अब आगे जैसे जैसे मैं बढ़ती जाऊंगी तो मैथमेटिकल टूल्स बहुत यूज में आएंगे, ठीक है। फिर वहां पे आप बना के मुंह मुर्गी जैसा बैठ जाओगे कि ये बताने मैडम क्या लिख रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए कह रही हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। अब मैं डाउट डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था चंचल बेटा शायद आपका, हाँ डाउट्स थे बच्चे के, देखो मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा, एक मिनट मैं निकाल लेती हूँ क्वेश्चन। देखिए द वोल्टेज अक्रॉस ए लैंप, क्वेश्चन है बेटा, तो वोल्टेज अक्रॉस ए लैंप दे रखी है आपको 6.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। करंट दे रखा है बेटा आपको 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर, ठीक है। अब आपसे पूछा है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड, फाउंड द पावर कंज्यूम्ड, तो देखो बच्चों पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वी इंटू आई, पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वी इंटू में आई। देखो पावर को आपको ये नहीं पढ़ा था, आपको ये तो पढ़ा है ना, पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो पढ़ा है ना आप सबने। हो सकता है वो आपको वर्क डन दे देता है यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन को क्या लिख सकते हो बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है आपका वेलोसिटी। तो आप इसको लिख सकते हो एफ इंटू में वी। तो पावर का एक फॉर्मूला बच्चों ये भी हो सकता है, पावर का आपके पास एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ समझ आ गया आपके पास इतनी बात, तो ये याद रखना पावर के ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हो सकते हैं। तो पावर को आप क्या लिख सकते हो, वी इंटू में आई लिख सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो, एरर में लिखोगे तो डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, ठीक है। हाँ अब आपके पास क्या है बच्चों, ये समझ आ गया, ये कैसे लिखा, ये वाला फॉर्मूला ये यहीं से आया चंचल। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ पोटेंशियल क्या होता है, देखो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को क्या लिख दूं मैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज, देखो ये यहीं से आया है, तो मैं लिख सकती हूँ W को V इनटू Q बाय T, और चार्ज अपॉन टाइम क्या हो गया करंट, तो आपके फॉर्मूला आ गया V इनटू I, फॉर्मूला क्या आ गया V इनटू में I। हाँ देखो ये कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, पावर के मैंने कई फॉर्मूले लिखा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे हो, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हो सकता है, पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई भी हो सकता है, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम भी दे सकता है। अब आपसे जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशंस कर लो बच्चों। हाँ तो क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ से आपके पास, तो डेल्टा पी, पावर में तो पूछा है बच्चों रिलेटिव एरर, डेल्टा वी, देखो ये आपका वी है, ये आपका डेल्टा वी है, तो वी है बच्चों 6/0.1, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज के पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसी तरह ये बच्चों बेटा 0.2/54 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लोगे आप चंचल, सॉल्व हो जाएगा आपका, आंसर कितना आ रहा है आपका 1.6 के आसपास आ रहा है बेटा, ये डेल्टा पी आया है ना, उसने पूछा पावर कंज्यूम्ड, उसने पूछा आपका पावर कंज्यूम्ड, ये यहाँ से आपके पास, सॉरी मैं बार निकाल देती हूँ, पावर कंज्यूम्ड पूछा उसने, तो देखो यहाँ से आप निकालेंगे डेल्टा पी बाई पी, तो ये है बच्चे आपका 6/0.1/6 प्लस ये आपका 0.2/4, इसको सोल्व कर लो आपके पास, जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास लगभग कितनी आ जाएगी 1/50, कितनी आ जाएगी 1/50, सोल्व कर लोगे। हाँ निकाल रही हूँ, ये डेल्टा पी बाई पी निकाला तो ये आया 1/15, सोल्व कर लो
होगी आपके पास, ठीक है। हाँ, अब आपके पास डेल्टा पी कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/15 इंटू पी। मैं बता रही हूँ एक बार, एक सेकंड रुको, आपको डाउट होगा कहीं पे। तो पी है बेटा आपका 24, इसको कर लो 15, 1.6 के आसपास आ जाएगा ये। उसने पूछा, उसे रिलेटिव एरर इन पावर नहीं पूछा बेटा, सुनो मेरी बात, उसने रिलेटिव एरर इन पावर नहीं पूछा, उसने पूछा फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड का मतलब कितनी पावर बेटा यूज कर ली, कितनी पावर बेटा उसने यूज कर ली, खर्च हो गई आपके पास। तो देखो टोटल पावर थी बच्चों आपकी 24, ठीक है। ये आपके पास क्या बता रहा है, रिलेटिव एरर। ये क्या बता रहा है, रिलेटिव एरर। डेल्टा पी क्या बता रहा है, रिलेटिव एरर, मतलब ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल। ट्रू वैल्यू कितनी थी और यूज कितनी हो गई, हाँ लगभग इतनी आएगी। मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया बेटा देव, अप्रोक्सीमेट लिख दिया 1.6 मैंने। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1.6। देखो क्यों इतना क्यों नहीं लिखा देव, देखो ये आपका जो आपने लिखा बेटा 1.584, ये मैंने इतना 1.6 क्यों लिखा। देखो जो आपकी ट्रू पावर है उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, ट्रू पावर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके 2 है। इसकी लिस्ट काउंट भी कितनी है बच्चों, 1 है। तो सेम आपकी अप्रोक्सीमेट लिस्ट काउंट इतनी ही आनी चाहिए इधर भी। एब्सोल्यूट एरर में भी बच्चों लिस्ट काउंट आपके अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर ही आनी चाहिए, ठीक है, समझ आ गई। इसलिए मैं इसको इतना ही लिखूंगी, ये मैं आपको अगर प्रिसीजन समझाऊंगी और डिटेल में अनसर्टेनिटी, तब आपको समझ आएगी ये बात कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। बस ये याद रखो जिस फॉर्म में ये लिखा है लगभग उसी फॉर्म में आप इसको लिखेंगे डिजिट का, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कर। आ गया समझ में, उसने रिलेटिव एरर नहीं पूछा। रिलेटिव एरर का मतलब तो क्या था बच्चों, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय ट्रू। उसने कहा कितनी कंज्यूम करेगा, भाई ट्रू वैल्यू तो इतनी है, अब जो चेंज आया वो उसने कंज्यूम कर लिया। अब जो चेंज आया बेटा वो उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1 × 10⁻¹, फाइंड द सरफेस एरिया विद एरर लिमिट। रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखी है बच्चों 2.1 ± 0.5 cm। कैलकुलेट द सरफेस एरिया विद एरर लिमिट, कैलकुलेट द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया विद एरर लिमिट। एरर लिमिट, एरर लिमिट का मतलब बच्चों आपको उसका प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एरर लिमिट यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, कि आपको उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा रिजल्ट को, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, स्फीयर का एरिया होता है बच्चों 4πr². तो 4π, एज इट इज बच्चों, आर कितना है 2.1 का स्केल। इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ से, अब लिख लोगे इसकी वैल्यू सोल्व करके। अब आपको पूछा है, आपके पास ही आ जाएगा 4π × 4.41 के आसपास, सोल्व कर लेंगे। अब आपसे पूछा है एरर डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा बेटा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डेल्टा ए कितना है 0.5, ठीक हो। एरर है आपके पास, देखो 4π का तो कोई एरर नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2 डेल्टा r/r, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 100 से, ठीक है। तो 2 डेल्टा r कितना 0.5 और r कितना बच्चों 2.1 × 100, ठीक है। यहां से डेल्टा ए निकाल लो, डेल्टा ए निकालोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इधर ये जो वैल्यू आएगी उसको 4π × 4.41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास डेल्टा ए आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा ए। अब इस डेल्टा ए में एरर लिमिट का मतलब प्रॉपर फॉर्म में लिखना, a ± डेल्टा ए। किसके फॉर्म में लिख दोगे इसको, a
डेल्टा ई। आप कर लोगे क्वेश्चन को? बताइए चंचल कर लेगी बेटा? अब हो जाएगा ना, इसका परसेंटेज एरर निकाल देगा। ठीक है, हो सकता है आपका जो आंसर दे रखा है ना उसने तो यहीं पे निकाल रखा है, उसने तो सिर्फ यहीं तक ही निकाल रखा है, ये परसेंटेज एरर निकाल रखा है। ठीक है, लेकिन विद एरर लिमिट का मतलब होता है रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्म में लिखो। प्रॉपर फॉर्म का मतलब बच्चों ए प्लस माइनस डेल्टा ए की फॉर्म में लिखना। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है बच्चों 1.60 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड लेंथ दे रखी है बच्चों सिलेंडर की 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे चंचल। सारे बच्चे देखिए बेटा, वो चंचल ने पूछा है ना इसलिए मेरे ध्यान चंचल का याद रह जाता है। देखो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर है, ये आर रेडियस और ये बच्चों एच, जो कि क्वेश्चन में एल गिवन है। ठीक है, अब आपको डायमीटर दे रखी है तो रेडियस क्या होती है बच्चों? डायमीटर की हाफ होती है, तो इसको रेडियस को डायमीटर की फॉर्म में लिख लो तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर एल बाई फोर। रेडियस क्या होती है? रेडियस नहीं गिवन है लेकिन डायमीटर गिवन है बेटा, तो रेडियस को किसके फॉर्म में लिख लो बच्चों? डायमीटर की फॉर्म में लिख लो। तो क्या लिख सकते हो बेटा? पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू एल। उसने पूछा परसेंटेज इन वॉल्यूम। ठीक है, देखो पाई बाई फोर तो कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, रिलेटिव एरर। पाई बाई फोर बच्चों कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई रिलेटिव एरर बेटा नहीं होगा। तो किसमें बचेगा आपका? क्या बचा आपके पास? ये इधर बचा डी स्क्वायर एल, तो इसको लिख सकते हो टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल। टू डेल्टा डी दे रखा है बच्चों 0.01 और डी है बच्चों 1.60 प्लस डेल्टा एल है बच्चों 0.1 और ये है बेटा 5। सोल्व कर लोगे आप और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को जो वैल्यू आएगी उसको परसेंटेज के लिए 100 से बच्चों क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। समझ आ गया बेटा? एक लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों, देखिए। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हो गया होगा ना ये क्वेश्चन सबका? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसका नहीं हुआ हो बेटा? बता देना। देखो मैं सोल्व नहीं कर रही, मैं कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? हाँ, एक क्वेश्चन और है बच्चों, कह रहा है बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस, ए बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस। डिस्टेंस दे रखी है बच्चों 1.38 प्लस माइनस 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, एंड टाइम दे रखा है बच्चों आपको 4.0 प्लस माइनस 0.3 मीटर बच्चों, 3 सेकंड बच्चों सेकंड। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद एरर लिमिट एंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। उसने पूछा कैलकुलेट द वेलोसिटी विद एरर लिमिट। हाँ बस बेटा लास्ट क्वेश्चन है, डाउट है डिस्कस कर लेते हैं बच्चों का ना। हाँ, वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बच्चों। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों? 13.8 और टाइम कितना है 4.0। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 138 डिवाइडेड बाय 4, 2 6 12 और ये 2 9 18 69.2। इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 3 6 4 और ये 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों वेलोसिटी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बच्चों परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी और विद एरर लिमिट।
मैंने कहा जब वो विद एरर लिमिट लिख दे तो हमें रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर फॉर्म में। विद एरर लिमिट जब वो क्वेश्चन में लिख दे ना तो हमें रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, डेल्टा वी बाई वी क्या बन जाएगा, डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई बच्चों टी। तो डेल्टा डी है बच्चों 0.2, ये 13.8 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। मैं इधर लिख दूं, मैंने करा नहीं, यहाँ कर देती हूँ। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा डी है बच्चों 0.2, ये है 13.8 मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा टी है बच्चों 0.3 और ये है बच्चों 4 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करता। हाँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0895, इतनी आ जाएगी। तो जब डेल्टा वी निकालोगे तो 0.0895 और इसको वी से मल्टीप्लाई कर, ये तो परसेंटेज में आ गया बेटा आपके पास, ये परसेंटेज में आया। विद एरर लिमिट लिखला है ना, सॉरी सॉरी मेरे से गलती होगी, एक सेकंड बच्चों मैं बताती हूँ। हाँ परसेंटेज के लिए बाद में करेंगे, उसने पूछा है विद एरर लिमिट, तो एरर लिमिट के लिए इतना ही लिखो, रिलेटिव एरर निकालो। वन सेकंड, ये मिस्टेक मत करना, उसने कहा एरर लिमिट तो डेल्टा वी निकालेंगे पहले। हाँ 0.2 डिवाइडेड बाई 13.8, 0.3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आएगी 0.8, कितने आया था आपके पास 0.0895, ये बच्चों रिलेटिव एरर आया, ठीक है। हाँ अगर आप इसमें परसेंटेज पूछे, अगर आपने को इसमें दो क्वेश्चन पूछे, अगर इसमें परसेंटेज पूरे पूछ रहा है तो फिर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0.0895 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 895 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.95 परसेंटेज, जिसको अप्रोक्सीमेटली 9 परसेंटेज आप लिख सकते हो, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख लोगे 9 परसेंटेज। तो ये आया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बच्चों, क्वेश्चन के लैंग्वेज में फोकस करना। उसने क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो ये आया बच्चों परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये जो 9% आया ये आया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है बच्चों उसने फाइंड द रिजल्ट को विद एरर लिमिट लिखना है, रिजल्ट को किस फॉर्म में लिखना है, उसने कहा है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद एरर लिमिट, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद एरर लिमिट। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, तो मुझे डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा वी कैसे आ जाएगा बच्चों, 0.0895 वी से मल्टीप्लाई कर दो, वी कितना 34.5, वी कितना आया हुआ है बच्चों आपका 34.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.3087, ठीक है। अब आपको इस फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व कर लेना लगभग आपके पास। परसेंटेज के लिए इसको भी क्या करोगे, अब ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, परसेंटेज के लिए इसको 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देना आप लोग, ठीक है। हाँ तो आपके वी कितना था 34.5 और ये आपका अप्रोक्सीमेट 0.3 के आसपास आंसर आप लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका, आपका आंसर ये 0.3, ठीक है। इसने इसी फॉर्म में पूछा था रिजल्ट, तो आपको परसेंटेज मत करना अभी यहाँ पे, पूछे तो करना है, पूछे तो करना है, अदरवाइज बच्चों नहीं करना, क्लियर हो गया। जब वो एरर लिमिट, जब ये डाउट रहा होगा, हो सकता है 100% संचल को, कि जब वो एरर लिमिट लिख दे बच्चों, जब वो एरर लिमिट लिख दे तो आपको रिजल्ट को इस प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जब वो एरर लिमिट लिख दे तो रिजल्ट को आपको प्रॉपर फॉर्म में बेटा लिखना पड़ेगा। हाँ अटेंडेंस भेजो फटाफट, फिर मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज अटेंडेंस सेट करो।